नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के खिलाड़ियों को मिलेगी लाखों रुपए की स्कॉलरशिप और इंश्योरेंस पॉलिसी। आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ बच्चों के विकास की बनी योजना। कोरोना संक्रमण को लेकर डॉक्टर और हेल्थ कर्मी के लिए जारी हुआ ये आदेश। भोजपुरी फिल्म में ये अभिनेता निभाएंगे चाची 420 का किरदार। जडेजा ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के खिलाड़ियों को मिलेगी लाखों रुपए की स्कॉलरशिप और इंश्योरेंस पॉलिसी। बिहार के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल अब राज्य के खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए खेल प्राधिकरण की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस योजना की जिम्मेवारी बिहार सरकार की तरफ से महानिदेशक रविंद्र संकरण को दिया गया है। महानिदेशक रविंद्र संकरण के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस स्कॉलरशिप को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले स्तर पर जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को साल में 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं दूसरे स्तर पर राज्य स्तर पर मेडल पाकर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे खिलाड़ी अपनी खेल सामग्री और अच्छी ट्रेनिंग ले सके। इसके अलावा तीसरे स्तर पर वैसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर मेडल पाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट करने जाते हैं, वैसे खिलाड़ियों को साल में 15 लाख रुपए स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाएंगे, जिससे कि खिलाड़ी विदेश में जाकर अच्छी ट्रेनिंग भी कर सकेंगे। इसके साथ ही 30,000 रुपए पॉकेट मनी के रूप में भी दिया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ बच्चों के विकास की बनी योजना। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के संपूर्ण विकास और बेहतर व्यवस्था को लेकर कार्य योजना बनाई गई है। बता दें कि इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ वहां आने वाले बच्चों से जुड़े 7 मुद्दों को भी शामिल किया गया है, जिनमें खासकर केंद्रों पर बच्चों की गतिविधियां, उनकी मॉनिटरिंग, सेविकाओं को बेहतर प्रशिक्षण और केंद्र की मूलभूत संरचना आदि इसमें शामिल है। मालूम हो कि इस संबंध में केयर इंडिया के कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर नीता वर्मा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये योजना आंगनवाड़ी केंद्र और बच्चों का विकास कैसे हो, इस पर तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें बच्चों से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं को भी बढ़ाने की बात कही गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्य योजना को बनाने में ICDS पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, सिवान, सीतामढ़ी और अरवल जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी शामिल हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10,101 पदों पर बहाली। आज से यानी कि 13 अप्रैल से बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भू संविदा के 10,101 पदों पर बहाली के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड की ओर से आवेदन मांगा गया है। दरअसल अब इसी बोर्ड के माध्यम से यह बहाली की जाएगी। बता दें कि इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 मई 2023 तक निर्धारित की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविदा बहाली में सबसे अधिक पद 844 अमीन के हैं। वहीं कानूनगो के 758, लिपिक के 744 और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 355 पद शामिल है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की योग्यता अलग अलग है, जिसे अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। भोजपुरी फिल्म में ये अभिनेता निभाएंगे चाची 420 का किरदार। आपने कमल हसन की फिल्म चाची 420 तो जरूर ही देखी होगी। बता दें कि अब इस फिल्म का रीमेक भोजपुरी में भी बनने जा रहा है। मालूम हो कि फिल्म चाची 420 की भोजपुरी में बनने वाली फिल्म में चाची का किरदार भोजपुरी के स्टार यश कुमार मिश्रा के द्वारा निभाया जाएगा। दरअसल यश कुमार मिश्रा के द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी आने वाली फिल्म में अपने किरदार की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा गया है कि मिलिए हमारी फिल्म चाची नंबर 1 के चाची यश कुमार से, यानी कि मुझसे। बता दें कि उनके इस पोस्ट को उनके फैंस के द्वारा काफी कमेंट किया गया है। वहीं उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है उस पर कई भोजपुरी स्टार्स के द्वारा भी कमेंट किए गए हैं। इस पोस्ट को शेयर करते के साथ ही यश कुमार मिश्रा चर्चा का विषय बन गए हैं। पटना हाई कोर्ट ने स्कूलों में छात्राओं के लिए कमेटी गठित करने का दिया निर्देश। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए पटना जिले में राजकीय एवं राजकीयकृत बालिका विद्यालयों में शौचालयों की दयनीय अवस्था पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को राज्य के सभी स्कूलों में छात्राओं के लिए उनकी संख्या के समुचित अनुपात में शौचालय एवं सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीनों की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही इस संबंध में एक टीम भी गठित करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि टीम गठित करने के निर्देश कोर्ट के द्वारा राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया गया है। बता दें कि पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट के द्वारा जनहित याचिका का दायरा पटना जिला से बढ़ाकर पूरे राज्य के लिए कर दिया गया था। मालूम हो कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 महीने बाद की जाएगी।
पैक्स और व्यापार मंडलों में गड़बड़ी के संकेत। बिहार में पिछले दो सालों में 2987 पैक्स का ऑडिट नहीं हुआ है, साथ ही 408 व्यापार मंडलों का भी ऑडिट नहीं हुआ है। बता दें कि साल 2021-22 में 2371 पैक्स का ऑडिट नहीं किया गया है, जबकि 245 व्यापार मंडलों का ऑडिट नहीं किया जा सका है। वहीं अगर हम 2020-21 की बात करें तो 616 पैक्स का ऑडिट नहीं किया गया है, जबकि 130 व्यापार मंडलों का ऑडिट नहीं किया गया है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि व्यापार मंडल और पैक्सों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की संभावना है। इधर सहकारिता विभाग के उप मुख्य अंकेक्षक कामेश्वर ठाकुर ने कहा है कि पैक्स व व्यापार मंडलों ने ऑडिट नहीं कराकर नियम का उल्लंघन किया है। एक माह के अंदर ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को लेकर डॉक्टर और हेल्थ कर्मी के लिए जारी हुआ ये आदेश। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में बिहार में भी सरकार कोरोना को लेकर काफी सजग हो गई है। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य में बढ़ते कोरोना को लेकर नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत आज से यानी कि गुरुवार से सभी अस्पताल कर्मियों को हॉस्पिटल में आने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे लोगों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वह बिना मास्क लगाए घर से ना निकले। वहीं अगर आपको कोरोना से जुड़ी कोई लक्षण दिखता है तो फौरन कोरोना जांच करवाएं। इसके साथ ही वैसे लोग भी सावधान रहे जो वैक्सीन ले चुके हैं और हर हाल में सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें। बिहार में कोरोना के 57 नए संक्रमित मामले। बिहार में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी होती जा रही है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के कुल 57 नए मामले निकलकर सामने आए हैं, जो कि राज्य के 8 जिलों के हैं। बता दें कि 57 संक्रमण से अब राज्य में कोरोना केस की कुल संख्या बढ़कर 236 हो गई है। मालूम हो कि बिहार के जिन 8 जिलों से कोरोना केस संक्रमित पाए गए हैं उनमें बिहार की राजधानी पटना से अकेले 34 मामले सामने आए हैं। वहीं भागलपुर से 9, खगड़िया से 5, मुंगेर से 4, दरभंगा से 2, पूर्वी चंपारण से 1, नालंदा जिले से 1 और पूर्णिया से 1 ही मामले सामने आए हैं। उधर जिन जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या अधिक है उसमें पटना जिले में 128, भागलपुर जिले में 21, गया जिले में 16, मुंगेर जिले में 14 और खगड़िया जिले में 13 शामिल हैं। पटना और हाजीपुर के रोजगार मेला में PM मोदी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज 71,000 नव नियुक्त कर्मियों को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र बांटे गए और साथ ही सभी कर्मियों को संबोधित भी किया गया। इसी को लेकर आज बिहार की राजधानी पटना और हाजीपुर में भी रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज जिन नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है उनमें देश भर से चुने गए युवा ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट जैसे विभिन्न पदों पर चयनित कर्मियों के नाम शामिल हैं। राजनीतिक दल बनने की ओर जनसुराज। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय जीते अफाक अहमद अगले सप्ताह बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। वहीं उनके शपथ लेते ही चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर का परोक्ष रूप से राज्य के विधायी उच्च सदन में परोक्ष रूप से प्रवेश हो जाएगा। दरअसल अफाक अहमद को चुनाव में प्रशांत किशोर के संगठन जन सुराज का भी पूरा सहयोग रहा है। वहीं ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में प्रशांत किशोर जन सुराज नामक अपने संगठन को एक राजनीतिक संगठन में परिवर्तित कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफाक अहमद को शपथ ग्रहण अगले सप्ताह 16 अप्रैल को दिलवाया जाएगा, जिसके बाद उच्च सदन में निर्दलीय सदस्यों की संख्या 6 हो जाएगी। वहीं 4 अन्य सदस्यों में 2 शिक्षक और 2 स्नातक क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों को 8 मई के बाद शपथ दिलाई जाएगी। लालू की बेटी चंदा यादव से पूछताछ कर रही थी। जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर लालू परिवार की मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि अभी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा आज यानी कि गुरुवार को लालू यादव की बेटी चंदा यादव से पूछताछ की जा रही है। मालूम हो कि इससे पहले ईडी के द्वारा लालू यादव की बेटी रागनी यादव से भी पूछताछ की गई थी, जबकि बीते मंगलवार को इस मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंदा यादव अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने पिता तथा भाइयों के समर्थन में लगातार पोस्ट करती रहती हैं। मालूम हो कि चंदा यादव पर आरोप है कि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मकान में एक निर्माण कंपनी AB एक्सपोर्टर्स का भी नाम आ रहा है। वहीं इस कंपनी के ज्यादातर तेजस्वी यादव के हैं तो वहीं कुछ शेयर चंदा यादव के भी हैं और साथ ही वो इस कंपनी में अधिकारी भी हैं। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान।
बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकजुटता को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। वही मुलाकात के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा मुलाकात पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा गया कि इस वक्त देश मुश्किल समय से गुजर रहा है, इसलिए यह जरूरी है कि देश की सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सरकार को बदले। उन्होंने कहा कि नीतीश जी के द्वारा जिस पहल की शुरुआत की गई है हम उसके साथ हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश ने मुलाकात पर टिप्पणी देते हुए कहा कि जिसके लिए आए थे उससे जुड़ा सब बात हो गया है, विपक्ष की एकता के लिए हम सब एक साथ आ रहे हैं। विपक्षी एकता पर सम्राट चौधरी ने कसा तंज। आज यानी कि गुरुवार को बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए जा रहे विपक्षी एकजुटता के प्रयास पर जोरदार तंज कसा गया है। दरअसल बीजेपी के द्वारा सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत स्वच्छता अभियान सह वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में पटना के गर्दनी बाग में कच्ची तालाब के पास बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में सम्राट चौधरी ने अपना योगदान देते हुए नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर कहा गया कि वह सारे कचरे एक मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कचरा इसलिए कहा क्योंकि उसमें सभी भ्रष्टाचारी हैं। लालू यादव के चरण में सबसे पहले नीतीश कुमार गिरे और अब राहुल गांधी, केजरीवाल, यह सारे लोग इस देश में भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुके हैं। आज मैंने देखा किसी व्यक्ति ने एक फोटो लगाया है कि खड़गे अगली बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहते हैं, तो सब लोगों की अगर इच्छा है कि प्रधानमंत्री बने तो नीतीश कुमार जोड़ेंगे किसको। जडेजा ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने बुधवार को 200 T20 विकेट पूरे कर लिए। जडेजा ने यह उपलब्धि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में हासिल की। रविंद्र जडेजा एक बार फिर चेन्नई के सबसे सफल गेंदबाज के रूप में उभरे। उन्होंने अपने चार ओवर के कोटे में सिर्फ 21 रन देते हुए दो विकेट चटकाए। इसके साथ ही इस आईपीएल सीजन में उनके विकेटों की संख्या 6 हो गई। इस सीजन विकेटों के लिहाज से वो चेन्नई के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बन गए। वहीं ओवरऑल टॉप गेंदबाजी की बात करें तो रविंद्र जडेजा पांचवें नंबर पर है। बता दें कि एक टी20 करियर में 200 विकेट और 2000 रन बनाने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। जडेजा ने राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में दो विकेट चटकाने के अलावा 15 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेली थी। रविंद्र जडेजा ने 296 टी20 मुकाबलों में 30.25 की औसत और 7.54 की इकोनॉमिक से 200 विकेट चटकाए हैं। जडेजा ने भारत के लिए 64 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 28.49 की औसत और 7 की इकोनॉमी से 51 विकेट झटके हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमारा, सनी सहनी, कुमारी संजना, नुनू गोलू कुमार, मनोहर, शंकर मुखिया, रवि कुमार राम, मृत्युंजय कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अर्जुन राम, के ए पटेल, उमेश ऋषिदेव, दीपू गुप्ता, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार के खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप मिलने से खिलाड़ियों को क्या लाभ मिलेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।